Assalamualaikum and welcome to the new episode of Pakistan Touristan. Today we'll guide you how to go to Hunza, Skardun, Gilgit, Baltistan from Old Silk Route Karakoram Highway. So you'll take an exit from Peshawar and Islamabad motorway to Hazara motorway. इधर आपको इस तरह की बेहतरीन सीनरीज मिलेंगी, लश ग्रीन। एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो वी आर इन हजारा मोटरवेज टनल, फर्स्ट ऑफ देम, और इसकी तारीफ किए बगैर आगे जाना मुमकिन नहीं है because it is one of the best tunnels of Pakistan. Beautifully built, two-way, gives a very good feeling. जैसे ही हम हजारा मोटरवे एग्जिट करते हैं, we are greeted with another tunnel of Mansehra. ये भी बहुत ही खूबसूरत टनल है, ब्यूटिफुली लिट अप। इट्स अ सिंगल रोड, सो यू हैव टू बी केयरफुल। और जैसे ही मंसेरा टनल आप एग्जिट करते हैं, तो मंसेरा के ब्यूटीफुल ग्रीन लैंडस्केप्स आपको नज़र आते हैं, इंतहाई खूबसूरत। अगर आपने नारान, कागान और बाबूसर टॉप की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान जाना है, तो फिर तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप बालाकोट इंटरचेंज से राइट हो जाएं। लेकिन बाबूसर टॉप मेजॉरिटी ऑफ द ईयर क्लोज रहता है ड्यू टू स्नोफॉल, सो वी हैव दिस ऑल्टरनेट रूट ऑफ कराकोरम हाईवे, ओल्ड सिल्क रूट। सो आपने इससे सीधा ही जाना है, हाई कोर्ट आएगा और बीच में ऐसे नज़ारे आपको मिलेंगे, ब्यूटीफुल इंडस रिवर। Nice bridge. और हम शांगला पहुंच गए। साइन बोर्ड पे आपको सारी आगे की डेस्टिनेशंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कितनी दूर है वो भी। एंड नाउ वी हैव रीच्ड बिशाम। ये भी एक माइलस्टोन है, इधर आप स्टे भी कर सकते हैं इफ यू आर कमिंग फ्रॉम पंजाब और KPK। अगर आपको सिंगल स्ट्रेच में जाना है टू गिलगित बल्तिस्तान, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट विद स्मॉल स्टेज ऑन द वे फॉर श्योर। और ये दोपहर का बहुत ही प्यारा स्पॉट है, इंतहाई खूबसूरत इलाका, ब्यूटीफुल ब्रिज, और साथ ही खूबसूरत मकान है विद कलरफुल रूफ टॉप्स। और ये एक वाइट हाउस है ऑन द वे। ओके, हम पटन पहुंच चुके हैं और ये तबाहकारियां हैं जी फ्लड्स की जो रिसेंट टाइम्स में आई हैं, और उनकी वजह से नॉट ओनली ऑन दिस साइड बट ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज काफ़ी नुकसान किया है। ये जो रोड है राइट साइड पर नज़र आ रही है, ये हाफ ऑफ इट इज़ गॉन,
due to these floods, but किसी भी मेजर नुकसान से अल्लाह ताला ने बचा लिया। इस तरह के ट्रक्स भी आपको नजर आएंगे ऑन द वे, ये चाइना से आ रहे हैं विदाउट नंबर प्लेट्स। साथ साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन देता चलूं कि बिशाम से सवात और कलाम का भी एक रास्ता निकलता है, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो अगर कलाम से किसी ने इस साइड पे आना हो तो वो भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। और हम कोहिस्तान के फेमस ब्रिज कयाल पे पहुंच गए हैं, विच हैज़ अनफॉर्चुनेटली बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न इन द रीसेंट मंथ्स, मेनली बिकॉज फ्लड्स हैव रियली अफेक्टेड इट्स बेस। सो इफ यू कैन सी क्लोजली, इसकी बेस सीरियसली डैमेज हो चुकी है आफ्टर द फ्लड्स। एज वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द ब्रिज विल हैव अ क्लोजर लुक एट इट। You see here, it is very disturbing. Allah na kare, this bridge can collapse at any time. Aur ye road ke half side pe traffic is not allowed. So this is a serious situation, and government should be taking serious steps about it, for sure. Sceneries along the way are very beautiful. Here we look at a very different landscape of Karakoram Highway, and this is Dasu. Beautiful. Okay, we have reached Babe Kohistan. It is a big bazaar as well. You can stay here for a while, take some snacks. और ये डैम दियामेट भाषा डैम का इधर से स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ अ बिग बिग डैम, ह्यूमंगस प्रोजेक्ट। इस मैग्नीट्यूड इज़ सो बिग कि आपको ये एक से डेढ़ घंटे तक आपके साथ साथ चलता रहेगा थ्रू आउट योर जर्नी टिल चिल्लास एंड मे बी बियॉन्ड। और इस तरह के भी कुछ पैचेज आपको नज़र आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कराकोरम हाईवे इज फुली कारपेटेड नाउ। ये इसके आसपास अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ पार्ट्स हैं, दैट्स वाई ये छोटे से पैचेस आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये कि दे आर वेरी मैनेजेबल नेगलिजिबल। तो सालों से जो सुनते आ रहे हैं कि कराकोरम हाईवे रोड बड़ी ख़राब है दासू से आगे, दैट पार्ट इज़ कवर्ड नाउ, इज टोटली कारपेटेड। अलबत्ता इस तरह के रोड जैम्स आप ज़रूर एक्सपेक्ट करें, किसी भी वजह से हो सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है, रोड बन रही है उसकी वजह से हो सकती है। सो इस तरह के ब्लॉकेजेस का आप ज़रूर ज़हन में रखें, लाइक 15 मिनट्स टू 1 आवर का बीच में ऐसा रोड ब्लॉक आ सकता है। सो इतना बफर ले के चलें। और ऐसे ऐसा लैंडस्केप्स बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, पहाड़ी सिलसिला आप जो है ना काफ़ी रफ एंड टफ हो गया है। और लुक एट द पीपल लिविंग देयर इन टेंट्स, कितनी मुश्किल होगी इनकी ज़िंदगी।
और ये दिया मेर भाषा डैम, इस पर वर्किंग हो रही है ऑन द अदर साइड ऑफ दिस रिवर। ये सारी रोड बनी हुई जो कट आपको नजर आ रहा है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट है। चाइना हमारे साथ इसमें कॉपरेट कर रहा है और ये डासू से स्टार्ट होके चिल्लास तक मूव करता है। और उसके बाद हमारी हॉलीवुड स्टाइल रोड स्टार्ट हो जाती है। लुक एट द व्यूज फ्रॉम हियर, इट्स हार्ड टू बिलीव दैट इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सम कॉल इट eighth wonder of the world, obviously it's not, but it's very close to it. aur ye chillas ka cadet college hai, और ये हम फेरी मेडोज के बेस कैंप पे, ये बेस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इधर से फेरी मेडोज और नांगा पर्वत का रास्ता जाता है और इससे आगे आप गिलगित जा सकते हैं, स्कर्दू, हुंजा, अस्तौर, सबको यही रास्ता जाता है। बीच में पॉइंट्स आते जाते हैं टूवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट, मोस्टली राइट। यूजुअली जब आप हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं तो आपके माइंड में जिग जैग और स्नेकी रोड्स का कॉन्सेप्ट होता है, बट हेयर व्हेन यू आर ऑन कराकोरम हाईवे यू कैन टेक द स्पीड अप टू 100 एंड इवन 120 बिकॉज द रोड इज स्ट्रेट एंड वेरी प्लेन एंड वेरी सेफ। वी आर नियरिंग अस्तौर एग्जिट। Hopefully you like this guide of Karakoram Highway. Please subscribe to the channel and like and share this video. We will be back with another exclusive video very soon. So take care and Allah Hafiz from Pakistan, Touristan.